नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब केमी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन कराने वाले हैं जो बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जो इसमें 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम हुआ था 23/4/2008 को हुआ था, ठीक है, उसी का सेट करा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आपको डेली कराएंगे, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको कौन करता है, तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो उस समय का बोल रहा था, ठीक है, तो प्रतिभा पाटिल हैं, ठीक। उसके बाद रामनाथ कोविंद इस समय वर्तमान में ये हैं आदिवासी हैं जो, ठीक है, और इसमें आदिवासी हैं द्रौपदी मुर्मू कुछ हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन थे, तो आपको दीपक कुमार थे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो बालकृष्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मंत्रिमंडल परिषद के किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपको विधानसभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार के पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, जातिया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो आपको कटिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 के विद्रोह में बापू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र के नीति प्रदान किया था, वो आपका किस में किया था, तो आपका हो जाएगा आरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिस्टर कौन बनाए गए हैं, तो आपको हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनाए गए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो आपको 60%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बिहार के कितने साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है, तो आपको 47.53% है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, शेर शाह के बचपन का क्या नाम था, तो फरीद था, ठीक है। भारत के राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन सा संबंधित रहा है, तो आपका हो जाएगा सही आंसर, आपका सही आंसर हो जाएगा 17, आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, लाल डलहौजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आपको 18 का सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड कनिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आपका ट्राई बेकर किस खेल से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, बी और सी हो जाएगा, फुटबॉल और हॉकी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो कुमार गुप्त था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है, तो आपको मीर कसिम की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, तो आपको बीबी जैला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, परमेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पुड़िया में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो आपको हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और शास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, तो आपको कौटिल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो आपको हो जाएंगे इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भगत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था, तो आपको हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो आपको 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपको हो जाएगा 8,28,78,796 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है, तो आपका सही आंसर कथकली नृत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आपको 1916 में हुई थी, ठीक है।
पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहाँ है, तो आपको नेपाल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड देश का कौन सा राज्य है, तो आपको 28वां राज्य है उस समय। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको 40 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो बिंबिसार आपको किस वंश का राजा था, तो आपको हो जाएगा हरेक वंश। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी कहाँ शुरू किया था, चंपारण में। ठीक, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला, तो इजराइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सार्क का सबसे नया सदस्य देश है, तो अफ्रीकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था किया था, तो औरंगजेब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1924 में बने थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो आपको राष्ट्रपति बुलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थापना कहाँ स्थित है, तो पटियाला में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जयसवाल राणा का नाम निम्नलिखित में खेलों में से किस खेल से संबंधित है, तो आपको निशानेबाजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, तो आपको परमास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, तो औरंगजेब बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 1897 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, तो आपको 10 मई को भड़की थी, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई थी, तो नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यकता निम्न उम्र कितनी सीमा होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाला कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन का स्थल कहाँ है, तो चीन में हो जाएगा। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको दूध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सतलज चिनाव और रावी किस किस सहायता नदियाँ, तो सिंधु की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, WWE भागीदारी द ग्रेट कोहली का असली नाम क्या है, तो आपको हो जाएगा WWE जो खिलाड़ी अब उनका असली नाम है दलीप सिंह राणा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है, तो आपको सितार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोकनायक कहा जाता है, तो आपको जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है लोकनायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है, तो आपको बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो आपको मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो आपको संसद हटा सकता है। ठीक है, 64 का आपका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 64। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के व्यापारी संबंध सबसे पहले किस यूरोप देश से स्थापित हुए, तो पुर्तगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, तो आपको हॉकी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जातक पवित्र ग्रंथ है किसका, तो बौद्ध धर्म के। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा, स्विच नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 69 का, आपका हो जाएगा किसको साथ जोड़ता है, तो आपको हो जाएगा लाल सागर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहले धर्म उपदेश दिए थे कहाँ पे? सारनाथ में दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से विशेष प्रधान से है उस समय था? तो आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर था, ठीक है उस समय, अब तो 370 धारा अब 35 से हट गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रजमानामा फारसी में अनुवाद करता है? तो महाभारत हो जाएगा, आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वह मुगल साम्राज्य किसका है जो दो बार अभिषेक हुआ था? तो आपको हो जाएगा, आपको सही आंसर 73 का आपका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में, ठीक है। 74 का आपका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो आपको 1510 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रेशम किसके उत्पादन होता है? तो आपको रेशम का उत्पादन 76 का सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, रेशम के कीड़ों के लार्वा से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जो शहतूत उगाया जाता है, ठीक है, शहतूत पौधा होता है। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यावश्यक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, ठीक है, जो काम करने का अनुकूल, हैंडसेट सेवा प्रदान, नेटवर्क, सिम कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल के कुंजी परामगत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो आपका सही आंसर 78 का सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, एंटर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो आपको इसमें से सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सब, ठीक है, www.http, ठीक है, ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल है? तो आपको सर्वदाता जो दे सकता है, ओ, ठीक है, आपका सी का सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सबग्राही ए बी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किन पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो आपको सही आंसर हो जाएगा 81 का सही आंसर डी हो जाएगा, गन्ना जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, एक्लवाइड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 83 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 84 का सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, विटामिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? तो आपको घेंगा रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पालक के पत्ते किसके प्रबल होते हैं? तो आपको सबसे ज़्यादा पालक के पत्ते में मिलता है आयरन मिलता है, ठीक है, 86 का आपका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दंत क्षय का कारण होता है? दंत क्षय का आपको बैक्टीरिया जनित संक्रमण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो आपको भौतिकी शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भाप इंजन का आविष्कार किया गया था? तो आपका सही आंसर भाप इंजन का आपको 91 का ए हो जाएगा, ठीक है, जेम्स वाट। नेक्स्ट देखिएगा, संक्षिप्त रूप में PSLV का अर्थ होता है? आपको फोलर सेलाइट लॉन्च हिकल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग होता है अपवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मुक्त निम्न गैस का ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किसमें अपरमार्गत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो सौर लालटेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित यंत्र से विद्युत धारा मापा जाता है? तो एमीटर से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न परिवर्तित करता है? तो अभियांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, डायनेमो, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, गैली
गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्नलिखित पर चढ़ी होती है, तो जस्ता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, तो आपको सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में 100 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।